छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाने वाला यह चमत्कारी पौधा जिसका नाम है केवकंद। केवकंद को आयुर्वेद में बहुत ही चमत्कारी बताया गया है। पथरी, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, गठिया, डायबिटीज, हाथी पांव, शारीरिक कमजोरी इत्यादि रोगों पर इस जड़ी को बहुत ही अचूक और चमत्कारी माना गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि केवकंद के जड़ का रस 10 ml की मात्रा में सेवन किया जाए तो किडनी तथा यूरिन के सभी विकार समाप्त हो जाते हैं, और यदि किडनी, यूरिन या पित्त की थैली में पथरी हो तो वह गल कर बाहर निकल जाता है। गठिया के रोगी को यदि केवकंद का चूर्ण 2-2 ग्राम की मात्रा में सेवन कराया जाए तो कुछ ही दिनों में गठिया का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि डायबिटीज के रोगी को नित्य प्रतिदिन केवकंद का काढ़ा पिलाया जाए तो कुछ ही दिनों में डायबिटीज का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। हाथी पांव के रोगी को केवकंद, लता क्रंज तथा बीड नमक का चूर्ण सेवन कराने से हाथी पांव का रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। केवकंद को पीसकर लेप बनाकर यदि शरीर में लगाया जाए तो त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए केवकंद तथा मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार की कमजोरी समाप्त हो जाती है।